नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिन्मय, चिन्मय गौड़, और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बांसुरी के इस नए लेसन में। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा गाना फ्रॉम द फिल्म शेरशाह। तो आइए बिना स्टार्ट किए, सॉरी, फ्लो में निकल जाता है गलती से कभी कभी यार, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करिए, आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे लेसन को शुरू करते हैं। दोस्तों, लेसन को शुरू करने से पहले दो तीन चीजें काम की बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना फिर सीखना। पहला पॉइंट, सर नोटेशन दे दो। सर नोटेशन चाहिए? सर अगर आप नोटेशन दोगे तो आपको मिलियन में सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। ऐसी हरकत बिल्कुल मत करना और ना दिमाग में लाना, क्योंकि नोटेशन के चक्कर में आप नहीं सीख पाओगे, खुद से कभी नहीं निकाल पाओगे। मैं जो गाता हूँ मेरे साथ गाया करो, मैं जैसे फिंगर करता हूँ वैसे फिंगर करा करो, धीरे धीरे करके सुर का ज्ञान डेवलप होने लग जाएगा, विश्वास करो। नोटेशंस के चक्कर में पढ़ोगे तो सालों साल निकल जाएंगे, ऐसे ही रहेगा, इसका नोटेशन उसका नोटेशन, नोटेशन के चक्कर में ही भटकती रहेगी आपकी आत्मा। सेकंड पॉइंट ये है कि ब्लोइंग जो है थोड़ा प्यार से करना, बहुत प्यारा गाना है ना, तो सॉफ्ट ब्लोइंग करना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बहुत हार्श पत्थर मत फेंकना, फूल फेंकना। सबसे पहले स्टार्टिंग का म्यूजिक आता है, वो म्यूजिक क्या है, ना 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 रे ग ग रे, ठीक है। देखो ध्यान से, अपनी बांसुरी स्क्रीन के सामने रखना, रे ग ग रे, आकार की टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। किसी स्वर को जब रिपीट करते हैं तो दो तरीके से रिपीट कर सकते हैं, हल्के सी टंग के साथ, टंग का यूज़ करके, या फिर आकार की टेक्निक, दोनों ही बहुत काम की है। तो आकार पे मेरा एक लेसन है बहुत काम का, ज़रूर देखना, ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर। वापस देखो, नोट्स देख लो, रे ग ग रे, रे ग ग रे, तो रे ग ग रे, 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 तो टंग भी यूज़ करना है और आकार भी यूज़ करना है, दोनों यूज़ करना है, दोनों का बैलेंस बना के चलना है, ओके, और ब्लोइंग सॉफ्ट रखनी है। तो स्टार्टिंग में इसका एक रिफ बसता है, इसका धुन बसती है, तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, तारा तारा रा, प्रोनाउंसिएशन गलत कर सकता हूँ, शब्द मुझे याद नहीं रहते, धुन याद रखता हूँ मैं, ठीक है, तारा रा रा, मेरे साथ गाओ, जो थोड़ा बहुत गाओ, सिंगर बनने के लिए नहीं, थोड़ा बहुत समझने के लिए। जब तक यहाँ नहीं जाएगा यहाँ कैसे आएगा सर, जब तक धुन यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी तो यहाँ कैसे आएगी, समझ रहे हो मेरी बात को। मौसम कितना मस्त हो रहा है, रोमांटिक, इतना रोमांटिक गाना सिखा रहा हूँ, इतने रोमांटिक खुश मूड में, खुशी वाले मूड में, सॉरी, वो तो लगभग रहता ही है मेरा हमेशा, और आपको भी बोलता हूँ कि अच्छे से मूड में रहा करो, ठीक है, दुनियादारी चलती रहती है, टेंशन चलती रहती है, अपने मस्त रहने का, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, बांसुरी बजाते रहो, बहुत बकबक कर ली, सिखाते रहो, रे ग ग रे, रे ग ग रे, रे ग ग रे, ग रे सा, क्या है, रे ग ग रे, रे ग ग रे, रे ग ग रे, ग रे सा, तो ग अ रे सा, म पूरा मत खोलना, बहुत कम खोलना है, ग रे सा, टंग का फ्री, ग रे सा में टंग का यूज मत करना, तो रे ग ग रे, रे ग ग रे, रे ग ग रे, ग रे सा, ग रे सा, ग रे सा, और ऐसे भी कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, स्लो कर रहा हूँ मैं, रे रे ग ग रे, रे ग ग रे, रे ग ग रे, ग रे सा, अपनी फ्लूट अपने हाथ में लो, ऐसे करो, बजाओ मत, पहले ऐसे करो, सीधे बजाने पे आ जाते हो, ऐसे करो पहले, हाँ सामने रखो, सीधे रखो, ढंग से रखो, रे ग ग रे, रे ग ग रे, रे ग ग रे, ग रे सा, वापस दिखा रहा हूँ, रे ग ग रे, रे ग ग रे, रे ग ग रे, ग ग ग रे सा, समझ गए, पीछे बैकवर्ड करके देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, सीधे बजाना मत,
खूब बार पहले गाना और ऐसे फिंगर्स को करना मुझे देखते देखते, ठीक है। सेकंड लाइन भी कुछ ऐसी है, सारे रे सा सारे रे सा सारे रे सा नी, सेम जो फर्स्ट लाइन है उसी के पैटर्न में सेकंड लाइन भी है। तो सारे रे सा सारे रे सा सारे रे सा रे सा नी, ठीक है। अब दोनों लाइन प्ले कर रहा हूं स्लो, ठीक है। हल्का हल्का जब रिपीट कर रहे हो नोट्स को, वह हल्का हल्का टंग भी यूज कर सकते हो। कैसे? हल्का सा टंग, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा स्ट्रोक, तो उसमें और सुंदरता बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, धसा सारे रे गा गा सा धसा सारे रे गा गा। थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन देखो ध्यान से, धसा सारे रे गा गा धसा सारे रे गा गा। और फिर ऐसे करना है, हाँ, एकदम नोट्स को कैसे बजाना है वो भी तो देखो, उसका चलन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो धसा सारे रे गा गा धसा सारे रे गा गा धसा सा सा, ठीक है। जहाँ पे भी नोट्स आ रहे हैं हल्का सा टंग लगा सकते हो या हल्का सा आकार कर सकते हो। तो यहाँ तक मैं बजा के दिखा रहा हूँ, फिर वापस बताऊँगा, चेक कर लेना। रे गा गा रे रे गा गा रे गा गा रे गा रे सा सारे रे सा सारे रे सा सारे रे सारे सा नी धसा सारे रे गा गा धसा सारे रे गा गा धसा सा सा। फिर इसी पूरे को दो बार रिपीट करना है, समझ गए? थोड़ा सा चेंज है, वो क्या चेंज है बता रहा हूँ मैं वो, पर ये दिमाग में रखना कि सेम जो सीखा है अभी इसको दो बार रिपीट करना है। चेंज क्या है, वो सेकेंड वाली लाइन में आएगा, फर्स्ट वाला सेम है वापस। जब सेकंड टाइम रिपीट करोगे तो रे गा गा रे रे गा गा रे रे गा गा रे गा रे सा, अब यहाँ पे चेंज आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। सारे रे गा सा, पहले वाला क्या था फर्स्ट टाइम में कि सारे रे सा सारे रे सा सारे रे सारे सा नी, ठीक है। सेकंड बार जब पूरा रिपीट कर रहे हो ये, तो उसमें चेंज क्या आ रहा है, सारे रे गा सारे रे सारे सा नी सारे रे गा सारे रे गा सारे रे गा सारे रे सानी, बाकी पूरा सेम है। दसा सारे रे गा गा दसा सारे रे गा गा, ऐसे गिराना उसको गा, भाई प्रेम में गिर जाता है ना तो गा। दसा सारे रे गा गा दसा सारे रे गा गा ध ध दसा सा सा, ठीक है। उसके बाद है ग प प ध प ध प म ग रे सा ध सा ग रे, इसी लाइन को दो बार रिपीट करना है। वापस देखो, ग प प ध प ध प म ग रे, जब प ध करोगे तो ऐसे करना है ना, सिंपल मत कर देना। लिखो कमेंट बॉक्स में कौन सा वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है, पहला कि दूसरा। सिंपल बजाया मैंने एकदम अभी, तो क्या सुंदर लग रहा है ना ये मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से पता नहीं आपको क्या अच्छा लगता है। ग प प ध प ध प म ग रे, जब ऐसे करोगे ना ग प प ध प ध प म ग रे, तो हल्का सा टंग लेना ग रे पे,
गरे साध सा गगरे, ठीक है, इसको दो बार। उसके बाद मेन जो लाइन है हमारी, सानी ध प ध सानी ध प ध ध सा ध ध ध सा ध ध ध सानी, ऐसे लेना, सानी ध प ध ध सा ध ध ध सा ध ध ध, ठीक है। फिर सेकंड लाइन क्या है, सानी ध मा प प ध प प प ध प प प, और जब नहीं आएगा तो डबल टैप करना। वापिस देखो, सानी ध प ध ध सा ध ध ध सा ध ध ध सानी सानी ध प ध ध सा ध ध ध सा ध ध ध सानी ध मा प प ध प प प ध प। जब ध प करोगे तो ऐसे करना, हल्का सा, पूरा मत उठाना, ठीक है। सानी ध प ध ध ध ध सानी ध प सानी ध मा प प ध प प प ध प प प। फिर वापस तीसरी लाइन के, सानी ध प ध ध सा ध ध ध सा ध ध ध, और उसके बाद सानी ध मा प ध नी ध ध प प सानी ध मा प ध नी ध प प। फोर्थ लाइन है ये, तो चारों लाइन ये रिपीट कर रहा हूँ। सानी ध प ध ध सा ध ध ध सा ध ध ध। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे सानी ध यहाँ तक तो थोड़ा बहुत टंग यूज़ करना है, उसके बाद अगर टंग यूज़ नहीं करोगे तो बहुत मस्त लगेगा, केवल आकार यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। सानी ध प ध सा ध ध ध सा, तो मैंने टंग यहाँ पे यूज़ नहीं करी, सानी के अंदर यूज़ की, देखा कितना इम्पैक्ट पड़ता है अच्छा है सुनने में। तो वो आपको खुद को वैसे ऑब्जर्व करना चाहिए कि कहाँ अच्छा लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। सानी ध प ध ध सा ध ध ध सा ध ध ध सानी ध मा प प ध ध प प ध प प प सानी ध मा सानी ध प ध ध सा ध ध सा प ध ध सानी ध मा प ध नी ध ध प, ठीक है। उसके बाद वही स्टार्टिंग में जो सिखाया रिपीट करना है, और फिर उसका पैराग्राफ आता है बहुत स्वीट सा, वो भी सीख लेते हैं। इसका पैराग्राफ क्या है, रे गा 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 मगरे रे सा सारे पा मगरे पा, जो आएगा बहुत हल्का सा मारना, नहीं तो पूरा फीलिंग चले जाएगा इसका। आहा क्या हवा चल रही है, जोरदार भाई, काले बादल हो रहे घने। ओहो, गा 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 मगरे रे सा सारे पा मगरे गा 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 मगा गा रे सा सारे पा मगा रे। सुनो, इसी को अगर हार्श ब्लो करोगे तो आवाज बहुत बेकार आएगी। कितना डिफरेंस आ गया ब्लोइंग से, देखो। हाँ, तो ब्लोइंग बहुत सॉफ्ट करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत से बनाता हूँ यार। थोड़ा सा मेरे कवर्स को शेयर किया करो, आप लोग थोड़ा कम शेयर करते हो। गा मा प प प प प प ध मा ध प प ग म प प प प प, क्या है, ग म प प प ग म प ग म प, ये टाइमिंग रखना। ग म प प प प प प ध मा ध ध प, ठीक है। ग म प प प ध सा प, सेकंड लाइन क्या है, ग म प प प ध सा प ध प मगरे। इसको ऐसे भी प्ले कर सकते हो, दोनों लाइन रिपीट कर रहा हूँ, देखो। ग म प प प प प प ध प ध प ध मा ध प प ग म प प प ध सा प प ध प मगरे। और उसके बाद जो पहले सीखा है पहले वाले पार्ट में, वही रिपीट करना है। दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मौसम कभी भी बिगड़ने वाला बिगड़ तो सॉरी मौसम कभी भी बिगड़ सकता है, बारिश गजब की आ सकती है, काले बादल घटाए छा रही है, और मैं आपसे बातें बतिया रहा हूँ। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद और जय भारत।